बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेक्शन के लिए जो टूल यूज़ किए हैं वो है लासो और दूसरे जो मार्क सिलेक्शन टूल थे, उनमें हमें टाइम लग जाता है, ठीक है, और हमारी परफेक्ट जो सिलेक्शन है वो भी नहीं होती। लेकिन आज जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो है, वो कौन सा हो सकता है, वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो वो ये वाला है, ठीक है। इसमें बेसिकली देखिएगा, हमने सिंपल उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा आर्ट भी है इंटेलिजेंस के थ्रू सेलेक्ट हो जाए। उसकी जो शॉर्ट ए है वह W, ठीक है। अभी हम अपने कीबोर्ड से W प्रेस करते हैं, ठीक है, ये आ गया। ये देखिएगा, मैंने इस अपने पूरे इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, ये पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, पूरी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। नहीं किया, ये देखिएगा, ये पूरा इसने सेलेक्ट कर लिया था, ये हो गया। अब हम इसे VW से मूव कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा, ये मूव हो रहा है, नहीं समझ आई आपको। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली उसने 1 सेकंड के अंदर पूरे का पूरा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों, इसी तरह ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर दूसरा टूल है जो हमारा, वो है मैजिक वांड टूल, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक में हमने नहीं यूज़ किया, ये हमने क्विक यूज़ किया, ठीक है। ये हम इसे प्रेस करते जाएंगे जितना एरिया हमें चाहिए, ये क्विकली उस एरिया को सिलेक्ट करता है। देखिए, हमने सिर्फ वो ऐड करना है, ये इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया, क्विक सिलेक्शन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये बेसिकली इसी तरह वर्क करते हैं। ये देखें, ये पूरा जो आपका था, तो शिफ्ट ये अभी हमने शिफ्ट प्रेस किया ना, तो अभी हम इसे जिधर जिधर चाहें वो उधर उधर हम इसे कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रेस करके आप माउस को करते जाएं तो ये स्केल दिखेगा, जितना एरिया आप चाहेंगे वो सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। ये देखें, पूरा ऑटोमेटिकली ये एक रे के अंदर उसको लेके आ जाता है, ठीक है। ये देखें, मैं इसके लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये तो समझ लेंगे पूरा उसने सेलेक्ट कर लिया। अभी हम कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये ख़त्म हो गया, ये हमारे पास एक डिज़ाइन बच गया है, ठीक है। तो इस एरिया में हम एक शेप ला के से नया एक काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी करके हमने डी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैजिक वांड टूल, मैजिक वांड टूल में बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली हम सेलेक्ट करेंगे कलर को, ये देखें सेम कलर को ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं ये देखें, शिफ्ट प्रेस करना है हमने और इसे क्लिक करते जाना है, ये सारा एरिया जितना होगा ना इसमें उसने उसे वो ब्लू कलर सेम वो फैच कर रहा है, वो ये वाला हो रहा है, ठीक है। ये देखें, इसमें जितना वो उसका एरिया था वो उसने सेम कलर का सेलेक्ट कर लिया। अब इसे हम कलर कंट्रोल एक्स करते हैं, ये इसने हजम कर लिया। और अगर हम इसे अपनी इसके ऊपर के शिफ्ट अभी हम वी प्रेस करके इस एरिया को मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हम एरिया को किस तरह रिमूव करते हैं। तो ये बेसिकली इस वीडियो में हमने सीखा है मैजिक वांड टूल किस तरह काम करता है। ये बेसिकली सेम कलर या सेम डायरेक्शन या सेम साइज की चीज़ को फेच करता है और उसे मूव करता है, ठीक है। और जो था वो वाला लासो टूल,
वो मैंने देख लिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है क्विक सिलेक्शन, आप सिर्फ क्लिक करेंगे और वो क्विकली उसे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये था आज का टूल, इसे प्रैक्टिस करें और अपने काम को, पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं।